नमस्ते तन भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। आज दिनांक 9 सितंबर 2024, हमें इंदौर चोईतराम मंडी में सबसे पहले किसान भाइयों आवक की बात कर ले तो आवक है 1+ हो चुकी है। 1.5 भी हो, 1.10 के करीब भी हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 1+ आवक है आप इंदौर चोईतराम मंडी में किसान भाइयों, मानिए आवक। देखिए अभी जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा एकांत में आ गया हूँ। कारण क्या है ना, आवक ज़्यादा है तो किसान बहुत है, ऐसा ना हो कि आपको आवाज़ क्लियर ना आए, इसलिए एक तरफ वीडियो बना रहा हूँ। अब किसान भाइयों आज के हम बाज़ार की बात करें, देखिए सबसे पहले आवक के देखेंगे ना, तो आवक के बढ़ने का किसी का 3-4 कारण है भी। सोयाबीन की तैयारी, मतलब लगभग देखेंगे 95-60-15 दिन में लगभग सोयाबीन जो कटना चालू हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण आज सोमवार की आवक को बढ़ने का, कि हर बार सोमवार को बाज़ार ठीक रहता है, आवक कम रहती है, तो हर किसान ने सोचा कि चलो आज ट्राई कर ले, आज भेज दे, आवक कम रहेगी, आवक कम रहेगी। उस चक्कर में आवक तगड़ी बढ़ चुकी है। एक तीसरा कारण ये भी है ना, थोड़ा सा नेफेड का भी है। फिर उसके बाद बात करें तो किसान का अब है ना ऐसा हो गया कि कोटा पूरा हो चुका है कि नहीं यार अब निकालना है, अब निकालना है। तो ये कारण आवक बढ़ने का खासकर हमें देखने को मिला, जो 3-4 कारण ना सबसे बड़ी समस्या है जो है। अब बात कर ले किसान भाइयों आज के हम बाज़ार की, तो बाज़ार तो लगभग किसानों को, बहुत सारे किसानों कमेंट आए थे, सुबह ही बाज़ार लगभग पता चल रहा था हमको कि बाज़ार डाउन देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों मोटा मोटा 2 रुपये तक, 2 से 2.5 रुपये बोल रहा हूँ मैं, एवरेज मालों में 3 रुपये तक भी बाज़ार डाउन देखने को मिला। देखिए सुपर मालों में 1.5 से 2 रुपये मानिए आप, और जो एवरेज माल है, दागी माल है जिसकी कदर पत्ती हल्की है, उसमें 2.5 से 3 रुपये तक, दागी मालों में ज़्यादा डाउन है, अच्छे मालों में थोड़ा सा कम डाउन देखने को मिला। ठीक है आज है ना 35 रुपये से ऊपर प्याज बिका नहीं है, सुपर लाट की बात कर रहा हूँ। ठीक है एक आज 36-37 बिक जाए, पर जो शनिवार को 36-37 की कंडीशन जो बन रही थी ना, आज वो 34-35 में प्याज बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कह सकते किसान भाइयों आप एवरेज निकालें हम दोनों तीनों चीज़ों का, तो 2 से 2.5 रुपये तक की किसान भाइयों आप मंडी इंदौर मंडी में प्याज में मानिए। अब देखिए आज माल किसान भाइयों बहुत सारे कैंसिल हो सकते हैं, तो मेरा एक गुजारिश रहेगी आपसे कल आवक थोड़ी सीमित रखिए। कारण क्या है ना, आज तो लाट कैंसिल होंगे, फिर वो एक दिन रुकेंगे, वो वापस कल मार्केट खाएंगे, क्योंकि देखिए माल दागी आ रहा है, एक दिन में माल आप क्या भेज रहे हो, एक दिन कैंसिल कराया फिर क्या बिक जाए और माल कैसा निकल जाए, उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि प्याज को रखे हुए अब लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं। तो इस चीज़ का किसान भाई अब ध्यान जरूर रखेगा, बाकी मार्केट हमें डाउन देखने को मिला। चलिए देख लेते हैं आज के प्याज के भाव क्वालिटी के साथ। यहाँ देखिए प्याज की क्वालिटी जो कि आज ये 32 रुपये, ये बता दें हाँ, देखिए अब ये बिका 3200 रुपये क्विंटल, आप देख सकते क्वालिटी 3200 रुपये क्विंटल बिका है, आप देख सकते क्वालिटी। साइज की बात करें तो साइज इसमें ठीक ठाक है, उल्टा और मीडियम आप कह सकते हैं, इसमें आपको इसमें देखने को इस तरह का माल मिल जाएगा। प्याज कितना कट्टा लाया था? 19 कट्टा। अच्छा एक पहला भी लाया था प्याज? अभी नहीं लाया, पहला लाया था 27 तारीख के लाया था। अच्छा अभी क्यों आज? आज में 32 रुपया। हाँ अच्छा एक पहला अपन कब लाया था? अपन लाया था गुरुवार के भी क्यों थे 32 भी क्यों थे आप लोग भी क्यों आप लोग भी क्यों आज 29.5 चलो अपनो चल। यहाँ देखिए प्याज की क्वालिटी जो कि आज 2800 रुपये क्विंटल बिकी है, 2800 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। देखिए कलर चॉकलेट ही है इसमें, देखिए इस तरह की क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और साइज की भी बात कर ले तो मिक्स साइज है, वैसे गोल्टा भी है मीडियम भी है, देखिए आप 2800 रुपये क्विंटल बिका आज। कितना कट्टा लाया था आज? 36 कट्टे 36 31 36 36। अच्छा एक पहला भी लाया था प्याज? एक पहला लाया था, कब लाया था? मतलब 4 दिन पहले लाया, 4 दिन पहले। 38 रुपया और आज 28 आप लोग बिकी हो, आप लोग बिकी हो 32 यो वालो 32 रुपया आप लोग बिकी हो। यहाँ देखिए प्याज की क्वालिटी
जो कि आज 3450 रुपए क्विंटल बिकी है। देखिए 3450 रुपए क्विंटल बिका है आज, आप देखेंगे तो कलर पत्ती इसमें बढ़िया है। देखिए आप क्वालिटी, साइज भी बढ़िया है इसमें, आप देख सकते हैं 3450 रुपए क्विंटल बिका। देखिए आप क्वालिटी, आप लोग बिको आज 3500 रुपए। देखिए ये लोड बिका है 3500 रुपए, आप देख सकते हैं क्वालिटी 3500 रुपए क्विंटल बिक गया। क्वालिटी अच्छी है, कलर पत्ती अच्छी है इसमें, पर आप साइज देखेंगे ना तो साइज देखिए, ये 70 को मीडियम माल देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं क्वालिटी। हम लोग अभी क्यों आज 35 रुपया। अच्छा एक पैसा कब लाया था? अच्छा एक महीने देखिए, चलो ठीक। यहाँ देखिए प्याज क्वालिटी, जो कि आज 3251 रुपए क्विंटल बिकी है, 3251 रुपए क्विंटल बिका आज, आप देख सकते हैं कलर इसमें चॉकलेटी है। देखिए कलर चॉकलेटी इसमें आपको देखने को मिलेगा। और साइज की बात करेंगे तो मीडियम माल है इसमें, आप देख सकते हैं क्वालिटी, और फुल साइज का माल भी वैसे कम है। दादा आज कितना कट्टा लाया था? 60 कट्टा। इसका पहला भी लाया था प्याज? इसका पहला कब लाया था? आज स्टार्ट करिए। यहाँ देखिए प्याज क्वालिटी, जो कि आज 3050 रुपए क्विंटल बिका है। देखिए इसमें सिंगल पत्ती का माल है, देखेंगे आप तो ये देखिए, और कलर भी कह सकते हैं इसमें हम आपको चॉकलेटी कलर देखने को मिलेगा। देखिए आप 3050 रुपए क्विंटल बिका है आज। कितना कितना कट्टा लाया था आज? कहीं बिक्यो आज 3400। आप 3400 बिक्यो? तो यो वालो टीका पहले कब लाया था? अपन स्टार्ट ही करा है आज, स्टार्ट करियो तो अपनो बिकियो। कहीं बिक्यो आज? अपनो बिकियो? अपनो जाओ, चलो बिकी जाओ। यहाँ देखिए प्याज क्वालिटी, जो कि आज 3200 रुपए क्विंटल बिकी है, 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। देखिए आप इसमें मिर्ची वाली समस्या आप देख पाएंगे। देखिए आप क्वालिटी, बाकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए आप यहाँ देखिए प्याज क्वालिटी, जो कि आज 3300 रुपए क्विंटल बिकी है, 33 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। देखिए आप कलर पत्ती बहुत बढ़िया देखने को इसमें मिलेगी। देखिए आप क्वालिटी 3300 रुपए क्विंटल, तो कलर पत्ती इसमें बढ़िया है। देखिए आप क्वालिटी 3300 रुपए।